गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सादिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गोल्डन पर्ल की क्रीम के साथ गोल्डन पर्ल का सीरम यूज़ करें तो क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या इन दोनों को कंबाइन यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब सादिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलें जी रिव्यू शुरू करते हैं। गोल्डन पर्ल का सीरम जब से आया है तो इसने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है कि इस सीरम से आप दिनों में वाइट हो जाएँ, रातों रात गोरे हो जाएँ। इसके पीछे क्या हकीकत है उस पर तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और चलें जी अब बात करते हैं गोल्डन पर्ल क्रीम की। गोल्डन पर्ल क्रीम जो है ये अगर यूज़ करके इसके बेनिफिट की ब्यूटी क्रीम है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। और जब इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह की है, ये कुछ मैंने यूज़ की हुई है तो इसलिए आपको ऐसी नज़र आ रही है। और लगाने में ये अच्छी है क्रीम, और जब आप इसको लगाते हैं और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, आपको दिनों में ये रिज़ल्ट दे देती है, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है। और आपको ये जिन लोगों को सूट करती है उनको इसके अलावा फिर कोई और भी क्रीम जो है वो सूट नहीं करती। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ अगर आप गोल्डन पर्ल का सीरम ऐड करके इसको लगाते हैं तो क्या ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा, या इसके क्या बेनिफिट हैं। गोल्डन पर्ल के सीरम को अगर आप इसके अंदर ऐड करके लगाएंगे अपनी स्किन पर तो क्या आपको फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोल्डन पर्ल की जो क्रीम है ये नाइट क्रीम है, इसको आप रात को अप्लाई करें और 15 से 20 दिन के अंदर जब आप इसको रेगुलर अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगी कि इसकी प्राइस कितनी होती है, और ये बहुत 200-250 तक जो है ये आ जाती है। इसके नीचे इसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है, 250-300 तक ये अवेलेबल है। अगर आप गोल्डन पर्ल की क्रीम को उसके सीरम के साथ अपनी स्किन पर लगाएंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि गोल्डन पर्ल की जो क्रीम है ये वैसे ही आपको फेयरनेस देती है, और ये जो सीरम है इसके अंदर डिफरेंट ऑयल्स यूज़ किए होते हैं, तो जब डिफरेंट ऑयल्स को आप एक हाईली वाइटनिंग प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन को वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छा अफेक्ट देगी, क्योंकि आप इतनी हैवी चीज़ें अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो आपको पिगमेंटेशन दे देगी। इसके अलावा आपको झुर्रियाँ होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा तो मशवरा ये है उन लड़कियों के लिए या उन औरतों के लिए जो कहती हैं कि हम रातों रात गोरे हो जाएं, तो ऐसा ना किया करें, अपनी स्किन का ख्याल रखा करें, अच्छी डाइट लिया करें, इसके अलावा नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जाया करें। इस तरह की चीज़ें वक्ती तौर पर तो आपको बहुत ज़्यादा गोरा कर देती हैं। इन दोनों को आप यूज़ करेंगे तो आप दिनों में गोरे हो जाएंगे, तकरीबन 3 से 4 दिन आप इसको लगातार लगाएंगे तो आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे या कुछ टाइम बाद आप जब थोड़ा टाइम गुजरेगा तो ये आपको पिगमेंटेशन की शिकायत हो सकती है, क्योंकि जब ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट्स आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो वो वक्ती तौर पर अच्छा रिज़ल्ट देंगी और बाद में वो आपको साइड इफ़ेक्ट देंगी। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने मेडिकेट ये क्रीमें यूज़ करनी ही हैं, नाइट क्रीम जो होती हैं, तो ज़्यादा अच्छा है तो मेडिकेटेड क्रीमें यूज़ करें। अगर मेडिकेटेड क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं वो आप नहीं बाय कर सकते, तो फिर सिर्फ एक क्रीम के जो है वो वही यूज़ करें, उसके साथ कोई डिफरेंट प्रोडक्ट उसी कंपनी की यूज़ हरगिज़ ना किया करें, क्योंकि इससे आपके वक्ती पर फ़ायदा होने के बाद में बहुत ज़्यादा बुरे नतीजे निकलते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सादिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो या कोई रिव्यू शेयर करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का आंसर करूँ और उस पर भी जो है वो एक वीडियो बनाऊँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और नई अच्छी वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।